हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप लोगों को जो कन्फ्यूजन हमारे वीडियो में होता है ना, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जिस वीडियो में भी हो उस वीडियो के ऊपर ही कमेंट करें प्लीज। और दूसरी बात कि अगर आपने पिछले किसी वीडियो में हमें कमेंट किया हुआ है अपनी कुंडली दिखाने के लिए और किसी वजह से अगर आपको जवाब न मिल पाया हो, तो प्लीज आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें, हम आपको जरूर ही जवाब देंगे। दूसरी बात, एक और आपके लिए एडवांटेज ये है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है और अपने मित्रों में इसको शेयर करते हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाते हैं, हमारे वीडियोज को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपकी आपके ऊपर हमारी पूरी नजर होती है और हम आपकी कुंडली के ऊपर पूरा विस्तृत विश्लेषण के साथ वीडियो बना करके आपको प्राइवेटली रेफर कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, देखें, शेयर करें। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय कि वृषभ लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो आप माणिक्य रत्न धारण करें अथवा न करें। मित्रों, वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जो होता है वो चतुर्थ भाव का मालिक होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव एक अच्छा भूमि, भवन, वाहन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि के लिए घर होता है, बहुत अच्छा घर होता है। लेकिन लग्नेश कुंडली का मालिक होता है और इस लग्नेश का शत्रु होने की वजह से सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य शुक्र का शत्रु ग्रह होता है, इसलिए इसको सम ग्रह की पदवी इस कुंडली में प्राप्त होती है। तो ऐसा सम ग्रह, आप अगर इस ग्रह का स्टोन अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो शायद आपको नुकसान भी करे और फायदा भी करे। तो आइए आज इस कुंडली में हम यही देखते हैं कि कहां पे सूर्य बैठा हो तो आपको स्टोन धारण करने से और कब किस अवस्था में धारण करने से फायदा होगा अथवा नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम लग्न की। लग्न में अगर वृषभ राशि के ऊपर अगर सूर्य बैठा हुआ हो तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। यहां बैठा हुआ सूर्य आपके भूमि, भवन, वाहन, जायदाद, प्रॉपर्टी के योग बनाएगा, लेकिन इस बात का आप पूर्णतः ध्यान रखें कि ये सूर्य केवल अपनी दशा और अंतर दशा में, वो भी डिग्री वाइज बलाबल अगर भरपूर बढ़िया हो तो आप उससे फायदा ले सकते हैं, केवल उसकी दशा और अंतर दशा में। ठीक है, दूसरे घर में अगर बैठा हो तो ये सूर्य आपको एडवांटेज दे सकता है अगर आप इसका स्टोन उसकी दशा अंतर दशा में पहने तो, धारण करें तो। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां बैठा हुआ सूर्य अगर आप इसका स्टोन धारण करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है और जब बलि होता है तो यहां पे देखता है तो आपके ऋण, आपके रोग और बीमारियों को दूर करने का पूरा वो जो है आप में आपको सहयोग करता है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर तीसरे घर में बैठा हुआ हो सूर्य तो इसका रत्न कदापि आप धारण न करें। ठीक है, क्योंकि ये अपने परिवार से, अपने कुटुंबियों से, अपने छोटे भाई बहनों से आपको टेंशन दिलाता है और यहां बैठे हुए सूर्य की संपूर्ण दृष्टि जब दशम नवम भाव पे पड़ती है तो नवम भाव पे सूर्य की दृष्टि जो है आपके अंदर की आस्तिकता को नष्ट कर देती है, अर्थात आपको नास्तिक बना देती है, आपके पिता से विरोध करवाती है। इसलिए आप तीसरे घर में बैठे हुए सूर्य का रत्न कदापि धारण ना करें। ठीक है, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य आता है तो अपने घर का हो जाता है, स्वराशिष्ठ हो जाता है, ऐसे में सूर्य आपको बहुत बड़ा एडवांटेज लेके आता है। लेकिन इसकी दशा और अंतरदशा जब आपके ऊपर आए तभी आप इसका रत्न धारण करें, आपको भरपूर लाभ। अगर आपके पास आप अपना खुद का घर ना हो, वाहन ना हो और अगर आपकी वृष लग्न की कुंडली है और आपके ऊपर सूर्य की दशा अंतर दशा चल रही हो तो आप निश्चित रूप से सूर्य का स्टोन धारण कर लीजिए, आपके लिए आपका खुद का अपना घर बनवा देगा और आपके आपको वाहन दे देगा, आपको माता का सुख देगा, सब कुछ दे सकता है। ठीक है, पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, ये आपके जीवन में संतान का योग बनाएगा, क्योंकि सूर्य एक पुरुष कारक ग्रह है
और पुरुष कारक ग्रह आपका आपके जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर करवा देगा, अगर उसकी दशा अंतर दशा में आप धारण करें तो। क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखें कि लाइफ स्टोन नहीं है इसमें सूर्य माणिक्य, इसलिए वो लाइफ टाइम आपके लिए फायदेमंद नहीं है, केवल दशा और अंतर दशा में धारण करके आप थोड़े टाइम के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर छठे भाव में सूर्य बैठा हो तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, इसका कभी भी आप स्टोन धारण न करें, क्योंकि जैसे ही आप इसका स्टोन धारण करेंगे आपका कर्जा बढ़ता चला जाएगा, ऋण रोग कर्जा मुकदमा आदि कोर्ट कचहरी के चक्कर, और 12वें घर पर उसकी दृष्टि आपके अस्पताल के खर्चे को और इस प्रकार के अनलीगल सारे बहुत सारे खर्चों को बढ़ा करके एक्टिवेट करके आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लगा देगा। सेवेंथ होम में अगर सूर्य वृषभ लग्न की कुंडली में बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक उसकी दशा अंतर दशा में कुछ दिनों के लिए सूर्य का रत्न धारण करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन यहां पे उसका एक नेगेटिव फल भी होता है कि आपस में पति पत्नी में झगड़ा भी करवाता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। बिजनेस में भी कुछ नुकसान करवा देता है, और क्यों, क्योंकि इसका सेवेंथ होम का सूर्य जो होता है उसकी संपूर्ण सप्तम दृष्टि लग्न पे होती है, और ऐसे में जातक को अग्रेसिव बना देता है, गुस्सैल बना देता है, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसके वजह से वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा करते रहता है, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ, यहाँ पे एक और बात जरूर है कि जिनका विवाह न हुआ हो, जो अविवाहित हो, ऐसे लोग इसका लाभ ले सकते हैं, है ना, वो भी उसकी दशा अंतर दशा में ही, ठीक है। अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य का रत्न तो आप भूल करके भी धारण न करें, आपका रोग बढ़ेगा, आपका कर्जा मुकदमा सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, और सेकंड होम के ऊपर दूसरे घर पर ऐसे सूर्य की दृष्टि और ऐसे सूर्य का अगर दशांतर दशा चल रहा हो और उसकी दशांतर दशा में आपने अगर उसका स्टोन माणिक्य धारण कर लिया तो आपके धन कुटुंब वाणी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। कब कहां क्या कितनी मात्रा में बोलनी चाहिए इस बात पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, और आप जो है कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल करके अपने जीवन में परेशानियों को खड़ा करेंगे। इसलिए एट होम में बैठे हुए सूर्य का रत्न धारण ना करें। नवम भाव में बैठे हुए सूर्य का रत्न आप धारण कर सकते हैं, यहां पर एक्टिवेट हुआ सूर्य आपको भूमि भवन वाहन जायदाद और माता का सुख और माता से सुख आपको दिला सकता है, लेकिन तीसरे घर पर उसकी दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों से आपके कुटुंब में झगड़ा करवा सकती है, ये यहां पे थोड़ा नुकसान भी है। इसलिए किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी की सलाह लेकर के ही आप रत्न माणिक्य धारण करें, ठीक है। टेंथ होम में बैठा हुआ सूर्य दिग्बल प्राप्त होता है, ऐसे सूर्य को दिशा बली हो जाता है और अपने चतुर्थ भाव को देख रहा होता है, इसलिए इसकी दशा अंतर दशा में आप जितने दिन के लिए भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आए उस समय में आप ऐसे सूर्य का रत्न धारण करके अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं, माता का सुख और माता को सुख दे सकते हैं आप, और आपके अपने घर वाहन प्रॉपर्टी जायदाद आदि बनाने में ऐसा सूर्य आपको भरपूर सहयोग करता है। लेकिन इलेवेंथ होम में बैठे हुए सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां बैठा हुआ सूर्य आपके जीवन में पुत्र संतान का योग बनाएगा, अगर उसकी दशा अंतर दशा आए और आपने अगर माणिक्य रत्न धारण किया तो, ठीक है। तो यहां पे अगर बैठा हुआ सूर्य हो और उसकी दशा अंतर दशा आपके ऊपर आए तो आप रूबी धारण करके माणिक्य धारण करके यहां पुत्र संतान का योग आपके जीवन में जरूर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत गंभीरता से यह बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर 12वें घर में सूर्य हो तो यहां पे लोग अक्सर धोखा खाते हैं, क्योंकि 12वें घर में बैठे हुए सूर्य जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं मेष राशि पर, चतुर्थ भाव का मालिक है, अच्छे घर का मालिक है, उच्च का बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आपको किसी ज्योतिषी ने सलाह दे दिया कि माणिक्य धारण कर लीजिए, उसके ऊपर आपके ऊपर अगर सूर्य की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा है और माणिक्य धारण करने के लिए बोल दिया किसी ने, तो समझो आपकी लुटिया डूब गई, है ना, क्योंकि ये आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे का चक्कर अकारण लगवाएगा, अकारण यात्राएं करवाएगा,
और विदेश यात्रा भी अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत जबरदस्त नुकसान करवाएगा। ऋण रोक कर्जा मुकदमा आदि के चक्कर में आप उलझन में पड़े रहेंगे। आप सोचते रहेंगे कि सूर्य अच्छा है, कुंडली में उच्च का भी है, उसका रत्न भी हमने धारण किया है, फिर भी हम परेशान क्यों है, तो उसका कारण यही है। इसलिए आप भूल करके भी 12वें घर में बैठे हुए सूर्य का रत्न माणिक्य कभी भी धारण ना करें वृष लग्न की कुंडली में। ठीक है, तो मित्रों ये आज का हमारा प्रसंग यहीं पे पूर्ण होता है। तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।